दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले एक बार इस आवाज़ को जरा गौर से सुनिए जो कुछ दिनों पहले धरती के नीचे से आई है। ये आवाज़ जिसने भी सुनी उसका कलेजा कांप गया। इस आवाज़ ने हर उस शख्स के मन में ऐसा डर पैदा किया कि सभी को भविष्य मालिका की वो बात याद आ गई जिसे आज से सैकड़ों साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि अब वो दिन दूर नहीं है जब तबाही हमारे आँखों के सामने होगी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। 27 फरवरी का दिन, स्थान उड़ीसा। एक भयंकर आवाज़ ने पूरे माहौल को इतना डरावना बना दिया कि लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। पहले तो लोगों ने ये सोचा कि यह आवाज़ शायद कोई सुपरसोनिक जेट की होगी या फिर किसी मिसाइल का परीक्षण किया गया है, परंतु ऐसा कोई भी परीक्षण किया गया है इसकी पुष्टि उड़ीसा सरकार ने नहीं की। कुछ देर तक लोग इतने डरे हुए थे कि उन्हें अब लग रहा था कि शायद अब प्रलय आने वाला है, क्योंकि ठीक ऐसी ही आवाज़ का जिक्र भविष्य मालिका में किया गया है। भविष्य मालिका, जिसे आज से करीबन 600 साल पहले उड़ीसा में जन्मे पंच सखाओं द्वारा उड़िया भाषा में लिखा गया था। इन पंच सखाओं का नाम है संत अच्युतानंद दास जी, अनंत दास जी, यशोवंत दास जी, जगन्नाथ दास जी और बलराम दास जी। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग में ऐसी ही आवाज़ दिन के समय 3 बार आएगी और रात के वक्त 3 बार आएगी। आज से पहले ठीक ऐसी ही आवाज़ नवंबर 2022 में आई थी और उसके बाद फरवरी 2023 को आई थी। भविष्य मालिका के अनुसार 22 मार्च के बाद ये आवाज़ अब रात के वक्त आएगी और ठीक उसके बाद अप्रैल में प्राकृतिक आपदा आने के भी संकेत है। अब बात करते हैं कि आखिर ये आवाज़ है किसकी। दोस्तों ये भयानक गर्जना और किसी की नहीं बल्कि माँ भैरवी की है। भैरवी की इस तरह से गर्जना करने का सीधा मतलब है कि अब विनाश लीला की शुरुआत होने वाली है, यानी कि अब युग परिवर्तन होने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार ये भयानक गर्जना दूसरी बार रात के वक्त अप्रैल 2024 को आएगी और फिर 2027 में तीसरी आवाज़ आएगी और ठीक उसके बाद एक धूमकेतु बड़े ही तेजी के साथ धरती की तरफ बढ़ेगा और ये कितना विनाश करेगा ये तो ईश्वर ही जाने। दोस्तों अब बात करते हैं कि माँ भैरवी है कौन। माता भैरवी को कालिका का ही स्वरूप माना जाता है, इन्हें ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, उनके बाल खुले हुए रहते हैं। लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंडमाला धारण करती है। काल भैरव की तरह ही उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पड़ आदि विध्वंसकारी चीज़ें देवी माँ को प्रिय है। भूत प्रेत विसाज डाकिनी भैरव कुत्ते आदि उनकी सेना है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और भैरवी का एक संवाद है जिसके अनुसार माँ भैरवी श्री कृष्ण से कहती है कि उनको अच्छा मांस खाने की इच्छा है। तो इस बात पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी इच्छा कलयुग के अंत में जरूर पूरी होगी, जहां पर आपको इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। इसके मुताबिक माँ भैरवी अब जागृत हो चुकी है और वो अपनी गर्जना के साथ ये चेतावनी भी दे रही है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब पापियों का अंत होगा और फिर से युग परिवर्तन होगा। दोस्तों अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी ही होगा कि माँ भैरवी हम सबके सामने आकर विनाश करेगी और हम अपने सामने विनाश होते देखेंगे। जरा इसे इस तरीके से समझिए, ये शक्तियाँ अपने स्थूल रूप में कलयुग में काम नहीं करेंगी, बल्कि ये शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से ये सारे काम करेंगी। हम इंसानों ने जो हथियार एक दूसरे को मारने के लिए बनाए हैं उनमें से ही अगर कुछ चल गए तो फिर इस सृष्टि का विनाश खुद ब खुद हो जाएगा। ये शक्तियाँ कैसे सूक्ष्म रूप से प्रलय का कारण बनेंगी इसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।